एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द आइजर भोपाल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि रिलीज किया गया है आपके 2023 के लिए। तो इस वीडियो में सारे डिटेल्स को हम कवर करने वाले हैं, सो लेट्स प्रोसीड। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे कि मेंशन है, आइजर भोपाल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट इज 2023। सो द आइजर भोपाल इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ब्राइट एंड द मोटिवेटेड स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस फॉर इट्स समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड पार्टिसिपेट इन रिसर्च कैरिड आउट बाई द आइजर भोपाल फैकल्टी थ्रू द रिसर्च एंड रीडिंग प्रोजेक्ट अंडर देयर सुपरविजन। जो पोर्टल है एप्लीकेशन का, वो ओपन होगा 27th of March से लेकर 16th of March तक। तो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट डेट है। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो दिस इज अ एडवांस इंटीमेशन, 27th of March से ये ओपन हो जाएगा और इसकी डेडलाइन रहेगी 16th of April 2023। चलिए बाकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है एलिजिबिलिटी रूल्स को अगर हम देखते हैं, सो इट हैज बीन मेंशन हियर, स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और बी करेंटली स्टडिंग इन सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ BSc, BTech, BE और फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, MTech और इक्विवेलेंट प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आर इनकरेज टू अप्लाई। ओके, सो फाइनली मैंने कोई ऐसा इंटर्नशिप देखा जिसमें कि स्टूडेंट का जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है डिग्री, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। बिकॉज मैक्सिमम जो हमने इंटर्नशिप देखा था उसमें परस्यूइंग स्टूडेंट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपनी कोई भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट या जो डिग्री मेंशन करके रखा है, अगर वो डिग्री आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप परसुइंग हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट कि ये कंप्लीटेड स्टूडेंट के लिए भी है, मतलब जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, एज वेल एज ऑन गोइंग स्टूडेंट जो है उनके लिए भी है ये। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। होप आप लोग इसका यूज प्रॉपर कर पाएंगे। Candidates are requested to fill in the online internship application form. Providing the false information will invite the cancellation of application and registration. तो आपको proper ढंग से proper detail डाल के online internship application form को भर देना है। Please note that the student can apply up to 2 subjects from the listed project. जो project mention है उसमें से सिर्फ आप 2 में apply कर सकते हैं। You may browse the faculty web page at the institute website to get the more information about their research work. आप जो है faculty का web page visit कर सकते हैं ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा faculty किस area में काम कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकें। Faculty not listed in the list of available project will not be offering any summer project. जिन faculty का नाम जो है list में mention नहीं है, वो किसी भी तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करेंगे, तो कृपया उनको कांटेक्ट करने की कोशिश ना की जाए। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो 4 से लेकर 8 वीक तक रहने वाला है, बिटवीन May 25th to July 25th। ओके, तो यहाँ पे जो है 4 से 8 वीक का रहेगा आपका पूरा का इंटर्नशिप का पीरियड, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी अवेलेबिलिटी करनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द राइट अप दे सबमिट। तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आप अपना राइट अप कैसा सबमिट करने वाले हो, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, अदर डिटेल्स में क्या क्या मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द समर इंटर्नशिप विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे। फर्स्ट वीक ऑफ मे तक उन बच्चों का नाम मेंशन कर दिया जाएगा जिनको सेलेक्ट किया गया है समर इंटर्नशिप के लिए। नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड, किसी भी टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड चार्ज विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल। हॉस्टल तो दिए जाएंगे लेकिन आपको उसके चार्जेस खुद पे करने पड़ेंगे। मेस विल बी चार्ज एज पर द एक्चुअल रेट्स पेबल टू द मेस कॉन्ट्रैक्टर। मेस के चार्जेस अलग से लगेंगे जो वहाँ की रूल है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एंड सबमिशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाई द फैकल्टी इन चार्ज। और आपका जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको उस रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी क्वेरी के लिए जो है आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। टेक्निकल इशू के लिए इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द रेलेवेंट स्क्रीनशॉट। काइंडली डू नॉट कॉन्टैक्ट द कंसर्न फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। जिस भी फैकल्टी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने इंटर्नशिप के लिए, कृपया उनको कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से ना करें फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट पर ही दे के रखा है। तो ये थे सारे के सारे डिटेल रिगार्डिंग द आइजर भोपाल
इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज वेल एज आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। जहां तक मुझे लगता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हैं, बिकॉज यहाँ पे बीएससी भी मेंशन है और एमएससी भी मेंशन है अलॉन्ग विद द एमटेक एंड बीटेक बोथ। ठीक है, तो काफी ब्रॉड एरिया इन्होंने दे दिया है एलिजिबिलिटी का, और आपका चाहे कंप्लीट हो गया हो ये डिग्री या फिर आपका ऑनगोइंग हो, आप दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।